चौ एक बार फिर से इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी देखा था मिरर का अब थोड़े से इसको और बढ़ाया जाए और हमें डिस्कस करना है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स इंक्लाइंड विद सम एंगल थीटा मान लो कि दो मिरर्स हैं और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है चलो ये पहला मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर है इसका नाम मैंने एम वन रखा इसका नाम मैंने एम टू रखा दोनों के बीच में एंगल थीटा है और हमें पता करना है कि इन दोनों मिरर्स की वजह से कितने इमेज बनाएंगे अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर नहीं किया और लास्ट इमेज कॉन्साइड नहीं किया इसका मतलब इसका आंसर होगा चार हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज़ फोर मान लीजिए अब मैंने आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिया मैंने आपसे ये पूछा कि दो पैरेलल मिरर हैं बच्चों अब दो पैरेलल मिरर हैं तो नंबर ऑफ इमेज पूछा जा रहा है नंबर ऑफ़ इमेज फॉर्मड कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे अब यहाँ पर आप खुद सोचो अगर मैं इसका नाम M1 रखता हूँ इसका नाम M2 रखता हूं अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो है तो कुछ डिस्टेंस पे होगा कुछ डिस्टेंस पे होगा बच्चों अब खुद सोचो ये इमेज यहाँ ये इमेज यहाँ फिर यूं, 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 यूं चलते ही जाएंगे तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी दो पैरल मिरर्स होंगे तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगे इन्फिनिटी क्या मेरी बात समझ में आ रहा है अब देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन दिया जाता है जैसे मैंने इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया मैंने बच्चों आपसे ये पूछ लिया कि मान लीजिए दो मिरर्स हैं। मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ और मैंने ये सोचा यही दो मिरर्स हैं इन दोनों के बीच के सेपरेशन दस मीटर के हैं और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है तो हमसे नंबर ऑफ इमेज नहीं पूछ रहा है मैं मुझे पूछा जाता है कि ये बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर M2 की वजह से इमेज नहीं बना M2 की वजह से इमेज नहीं बना अब देखिए थोड़े अटपटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है हमें कैसे एनालाइज करना होगा बच्चों हमने ये सोच लिया कि मान लीजिए ये डिस्टेंस चार मीटर है ये मुझे क्वेश्चन में गेवेंड है कि ऑब्जेक्ट चार मीटर पर दे रखा हुआ है तो ये चार है तो ऑफकोर्स ये छ मीटर हो जाएगा बच्चों अब आप सोचो कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर की वजह से कहां बनेगा ऑफकोर्स चार पे जाके बनेगा और इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर की वजह से कहां बनेगा ऑफकोर्स छ पे जाके बनेगा तो हमने ऐसे सोचा होगा यहां लिखो M1 यहां लिखू एम टू और मैं एम वन के लिए लिखूंगा चार और एम टू के लिए लिखूंगा छः अब इसमें हमें टेन ऐड करना होगा क्यों ऐड करना होगा टेन क्योंकि आप ये देखो कि ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का, का काम करेगा तो अगर ये ऑब्जेक्ट का, का काम करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा चार प्लस दस मतलब फोर्टीन तो इसलिए हमें ऐड करना होगा तो ये फोर्टीन पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोर्टीन पे इमेज बनाएगा ऐसे ही आप ऐसे सोचो ये और ये दस मतलब सिक्सटीन मीटर के डिस्टेंस पर ये इमेज था मतलब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो कहाँ इमेज बनाएगा ऑफ कोर्स सिक्सटीन पे जाके बनाएगा तो हम ऐसे ही ऐड करते ही चले जाएंगे ऐसे ही बच्चों ऐड करेंगे ऐसे ही बच्चों ऐड करते चले जाएंगे अब सोचो ऐड करते ही चले जाएंगे करते ही चले जाएंगे अब, अब हमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पर M2 की वजह से इमेज नहीं बना तो चलिए मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूं आपको चलिए सोचिए देखिए कैंसर होना चाहिए M2 की वजह से इमेज नहीं बना तो मैं कहूंगा कि छ नहीं बना है छब्बीस बना है थर्टी फोर बना है कहां नहीं बना ऑफकोर्स ट्वेंटी फोर द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी फोर चलिए बच्चों एक प्रॉब्लम लेते हैं बहुत अच्छा प्रॉब्लम आया था एक बार जई ने पूछा था जेई एडवांस में बहुत ही इजी केस एक आया हुआ था देखो क्या कहता है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ था एडवांस वालों ने कि दो मिरर है और ये दोनों पैरल से हैं बच्चों ये दोनों पैरल मिरर हैं इन दोनों के बीच के सेपरेशन मुझे गिवन है 0.2 मीटर और इसमें से किसी भी एक मिरर का लेंथ जो है ना वह है टू रूट थ्री मीटर मतलब दोनों मिरर का लेंथ कितना है टू रूट थ्री टू रूट थ्री मुझे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बोला गया था कि एक लाइट को मैं यहां से भेजता हूं थर्टी डिग्री एंगल के सहारे मैं आपसे नंबर ऑफ इमेज नहीं पूछूंगा बिकॉज दो पैदल मिरर्स के बीच में नंबर ऑफ इमेज तो इन्फिनिटी होता है उन्हों भी उन्होंने डिस्कस भी किए थे हमने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बिफोर एमर्जिंग आउट बाहर निकलने से पहले ये कितने बार रिफ्लेक्ट करेगा इंक्लूडिंग बोथ चलिए हम क्या सोचेंगे हम कुछ इस प्रकार सोच रहे थे कि मान लीजिए कि थर्टी डिग्री एंगल के साथ आ रहा है तो थर्टी के साथ वापस भी जाएगा बच्चों और हमने कुछ इस प्रकार देखा कि इसने पहली बार रिफ्लेक्शन किया है तो एक्स डिस्टेंस कवर किया है हम थोड़ा सा ज्योमेट्री क्यों ना यूज कर ले यहां पर हम कह सकते हैं टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बोलो टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अब आप खुद सोचो दिस इज वन बाय रूट थ्री एक्स अपॉन जीरो पॉइंट टू मीन्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू अपॉन रूट थ्री मैं तो एक बार के रिफ्लेक्शन में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया था और मैं कहूँगा कि ऐसे ही यूं यूं यू यूं यू, यू होते चले जाएगा और हमें कितना डिस्टेंस कवर करवाना था टू रूट थ्री तो मैं पूछूंगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा एल अपॉन एक्स एल कितना है बच्चों टू रूट थ्री और एक्स कितना है जीरो पॉइंट टू अपॉन रूट थ्री और हम कह सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज नाउ टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट टू अपॉन रूट थ्री अब आप देख सकते हो द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज थर्टी और हम कह सकते हैं कि बिफोर एमर्जिंग आउट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज थर्टी क्या मेरी बात समझ में आया चलिए तो बच्चों हम लोगों ने इसके जो मेनली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें हमने पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था कि अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू तो इमेज डिस्टेंस और उसके इर्द गिर्द हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किया था कई सारे फंडे आए थे सेकेंड केस में लोगों ने क्या देखा कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स अब हम लोग थोड़े से टॉपिक को और बढ़ाएं कुछ और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे चलिए देखते हैं जैसे मैं कहता हूं अगले प्रॉपर्टी में व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा इट्स इमेज रोटेटेड बाय टू थीटा इन द सेम सेंस मैं भी आपको समझाऊंगा कि सेम सेंस का क्या मतलब होता है कि सेम सेंस है क्या चलिए इसको एनालाइज करते थोड़ा सा देखिए मान लीजिए यही प्ले मीर था थोड़े ध्यान से समझना काफी जी है ये नॉर्मल था दिस इज एन वन ये इंसिडेंट रे था अच्छा ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे था हम क्या कहेंगे ये एंगल और ये एंगल तो बराबर था मतलब हम कह सकते हैं आई और आर तो बराबर था तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा पक्का अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा हमने इसका नाम आर वन रखा हमने इसका नाम एन वन रखा अब देखो हम क्या कर रहे हैं हमने बस इस मिरर को थोड़े से रोटेट करवा दिया मतलब रोटेट कुछ इस प्रकार कर दिया हमने कुछ इस प्रकार रोटेट करवा दिया अब आप देखो खुद सोचो हमने मिरर को रोटेट करवाया है इंसिडेंट रे को हमने कांस्टेंट रखा मिरर अगर रोटेट कर गया बच्चों तो नॉर्मल शिफ्ट कर गया हमने मिरर को थीटा एंगल रोटेट करवा दिया तो इसका नॉर्मल भी शिफ्ट कर जाएगा पहले नॉर्मल यहाँ था अब इसका नॉर्मल बच्चों यहाँ पहुँच जाएगा और जो कि थीटा एंगल चला जाएगा अब आप खुद सोचो इस बार मेरा इंसिडेंट रे मेरा इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा आपका जवाब होगा अल्फा प्लस थीटा इसका मतलब इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा प्लस थीटा है तो मैं कहूँगा कि रिफ्लेक्टेड रे भी ये नहीं होगा ये हो जाएगा बच्चों इसका मतलब ये भी क्या लाएगा अल्फा प्लस थीटा अब आप खुद सोचो कि मिरर को हमने थीटा एंगल रोटेट किया तो देखो इमेज कितना रोटेट कर गया है टू थीटा अल्फा प्लस थीटा अल्फा प्लस थीटा तो कितना रोटेट कर गया टू थीटा लेकिन सेम सेंस में इसका मतलब अगर हमने एक मिरर को थोड़ा ध्यान समझना अगर हमने एक मिरर को 10 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करवा दिया तो इसका इमेज कितना रोटेट कर जाएगा इमेज रोटेट कर जाएगा 20 डिग्री बट सेम सेंस में मतलब क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट करेगा बच्चों चलिए इसको थोड़ा सा और डील करते हैं इसी के कुछ एक्सटेंडेड केस व्हेन मिरर इज फिक्स्ड

देन इट्स इमेज रोटेटेड बाय थीटा बट इन अपोजिट सेंस अच्छा इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने मिरर को फिक्स कर दिया था सोचना है आपको हमने मिरर को फिक्स कर दिया यह इंसिडेंट रहे था ये नॉर्मल था और ये रिफ्लेक्टेड रे था हमने बस इंसिडेंट रे को ऐसे घुमा दिया तो अगर इंसिडेंट रे को हमने क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया था तो तुम क्या कहोगे कि अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल घूम जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा लेकिन इसका क्या मतलब है इसका मतलब इस रिफ्लेक्टेड रे को इधर घूमना पड़ेगा सेम सेंस में लेकिन सॉरी थीटा एंगल के साथ बट इन अपोजिट सेंस इसका मतलब अगर इसको मैंने थीटा एंगल के साथ रोटेट करवाया क्लॉक सेंस में इंसिडेंट रे को तो इसका जो इमेज रोटेट कर जाएगा रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट कर जाएगा थीटा ही रोटेट करवाएगा लेकिन एंटी क्लाक सेंस में कैमरी बात समझ में आ रहा है तो चलिए इसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ हमने क्या लिखा कि वेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा इट्स इमेज रोटेटेड बाई टू थीटा इन द सेम सेंस इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमने एक मिरर को थीटा एंगल के साथ रोटेट करवा दिया तो जो इसकी इमेज रोटेट कर जाएगी वो टू थीटा हो जाएगी बट इन द सेम सेंस सेम सेंस में बट यहीं पर बात हमने थोड़े से बदलाव कर दिया हमने कह दिया कि मिरर को फ़िक्स कर दो चलो मिरर को फिक्स कर दो हमने इस मिरर को फिक्स कर, कर दिया था और तब मैंने सोचा कि हमने मिरर को तो फिक्स कर दिया लेकिन इंसिडेंट रे को हमने थीटा एंगल रोटेट करवा दिया अब देख सकते हो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करवा दिया तो मैंने कहा कि जो इसकी इमेज रोटेट करेगी जो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी वो भी थीटा के सेंस में ही रोटेट करेगी लेकिन अपोजिट सेंस में क्यों अपोजिट सेंस में जरा सोचिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए इसको मैंने थीटा रोटेट करवा दिया ऐसे घुमा दिया तो ये एंगल कम हो जाएगा इसका बता ये एंगल कम होगा तो इस रिफ्लेक्टेड रे के एंगल भी कम होनी चाहिए इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं इधर आ जाएगा और हम कह सकते हैं कि जितने एंगल के साथ हमने इंसिडेंट रे को घुमाया था उतने एंगल के साथ रिफ्लेक्टेड रोटेट करेगा लेकिन अपोजिट सेंस में चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी चलो चलिए जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया था कि एक प्लेन मिरर था यू नो दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे होगा हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार बोला गया कि मैंने मिरर को हमने इस मिरर को टेन डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया और हमने इंसिडेंट रे को फाइव डिग्री एंटी क्लॉक सेंस में रोटेट करवा दिया तो मैंने कहा कि बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे इसके इमेज कितने रोटेट कर जाएंगे इमेज कितने रोटेट कर जाएंगे चलिए सोचते अगर मिरर को हमने 10 डिग्री रोटेट करवा दिया तो अगर हमने मिरर को 10 डिग्री रोटेट करवाया तो मिरर 10 डिग्री रोटेट किया है तो मिरर के टेन डिग्री रोटेट होने से बच्चों कितने रिफ्लेक्ट करेंगे टेन डिग्री मिरर रोटेट किया था और वो भी क्लॉकवाइज सेंस में तो हम कहेंगे कि ट्वेंटी डिग्री क्लॉक सेंस में रिफ्लेक्टेड रोटेट कर जाएगा सेकेंड बात इमेज देखो इमेज पाँच डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट किया था फाइव डिग्री इमेज अरे इमेज नहीं इंसिडेंट रे इंसीडेंट रे फाइव डिग्री एंटी क्लॉक वाइज सेंस में रोटेट करवाया था तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये भी फाइव डिग्री ही रोटेट करेगा लेकिन एंटी क्लॉक वाइज सेंस में नहीं क्लॉक वाइज सेंस में तो मैं पूछूंगा कि नेट कितना एंगल रोटेट करेगा तो आपका जवाब होगा ट्वेंटी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज सेंस में क्या मेरी बात समझ में आ रहा है अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं यहाँ पर थोड़े और समझने की कोशिश करो जैसे मान लो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि मिरर है और ये इंसिडेंट रे है अच्छे समझना बहुत अच्छा केस ये भी ये इंसिडेंट रे था और ये मिरर था हमने इस मिरर को ट्वेंटी डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करवा दिया तो मैंने कहा कि हम इंसिडेंट रे को हम इंसिडेंट रे को कितना रोटेट करवाएं कितना रोटेट करवाएं ताकि इसकी इमेज 50 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर जाए क्या मेरी बात समझ में आए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने इंसिडेंट रे को कितना रोटेट करवाना है ताकि बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि हमने मिरर को 20 डिग्री क्लॉक सेंस में रोटेट करवा दिया ये ऐसे था हमने इसको ऐसे रोटेट करवा दिया तो हमने कहा कि भाई इसको मैंने 20 डिग्री क्लॉक रोटेट करवा दिया तो इंसिडेंट रे को कितना रोटेट करवाऊँ ताकि जो फाइनल इमेज बने इसका वो फिफ्टी डिग्री क्लॉक रोटेट कर जाए हम कुछ ऐसे सोचेंगे कि बच्चों 20 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है मिरर इसका मतलब इसकी जो इमेज रोटेट कर जाएगी वो 40 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी और हमें पूरे कितने चाहिए था 50 डिग्री क्लॉकवाइज हमें ज़रूरत कितना है 10 डिग्री और का हमें ज़रूरत कितना था 10 डिग्री और का इसका मतलब टेन डिग्री क्लॉक और अगर ये रोटेट कर जाता तो तो बात बन जाता तो तो आंसर फिफ्टी हो जाता और इस चक्कर में हमने ऐसे सोचा कि टेन डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है और इसका मतलब इंसिडेंट रे को हमने टेन डिग्री एंटी क्लॉक सेंस में रोटेट करवा दिया था ताकि हुआ क्या टेन डिग्री एंटी क्लॉक सेंस में मैंने रोटेट करवा दिया तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएंगे वो टेन डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर जाएंगे और जो नेट रोटेट करेगा इमेज वो कितना हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में चलिए आगे देखते हैं चलिए तो मुझे लगता है आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा अब मैंने ये सोचा कुछ और केस कुछ और प्रैक्टिकल केस लेते हैं बच्चों के हमने कहा टू सी फुल इमेज of an object we need a plane mirror of half the size of object आइए इसको थोड़े से अच्छे से डील करते हैं देखिए हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का हमें इस मिरर के अंदर में इमेज ट्रेस करना है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको देखिए हमने सोचा कि हमें इसका पूरा इमेज चाहिए था तो हमने एक लाइट को यहां से भेजा हमने एक लाइट को इधर से भेजा और आप कहोगे कि ये इसका नॉर्मल हो जाएगा और ये लाइट ऐसे चला जाएगा बच्चों सेम सिचुएशन में आप फिर से देखो हमने एक लाइट को ऐसे भेजा हम क्या कहेंगे ये ऐसे चला जाएगा बच्चों ये नॉर्मल कहलाया ये भी नॉर्मल कहलाया हमने इसको पीछे तक लेके चला गया हम इसको पीछे जगह लेके आ गए थोड़े से ज्योमेट्री है आपको समझना पड़ेगा अब आप देखो इसका नाम हमने एम एम डैस्ट रखा इसका नाम हमने ए बी रखा और इसका नाम हमने ए डैश बी डैश रखा चलिए हमने माना ये Z है तो अगर ये Z है तो बच्चों ये भी Z हो जाएगा ये बात तो फिक्स है बिकॉज इन अ प्ले मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस ये जेड है तो ये भी जेड हो जाएगा हम यहाँ पर कुछ सिमिलर ट्रेंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं एक छोटे ट्रेंगल और एक बड़े से ट्रेंगल में अब आप देखो थोड़ा ध्यान से बताना मुझे मैं दो ट्रैंगल की बात कर रहा हूँ एक ट्रेंगल का नाम है एडेस्ट पी बिडेस्ट एडेस्ट पी बिडेस्ट और दूसरा ट्रेंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं एम पी एम डेस्ट एम पी एम डेस्ट जरा सोचिए क्या मैं ऐसे सोच ले सकता हूं कि एम एम डैस्ट एम एम डैस्ट अपॉन एडेस्ट बी डेस्ट एम एम डैस्ट अपॉन एडेस्ट बी डेस्ट इज इक्वल टू जेड अपॉन टू जेड जेड अपॉन टू जेड हमने लगा दिया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल्स और जेड से जेड को काट दिया मैंने तो हम क्या कह सकते हैं एम एम डैस्ट इक्वल टू ए एडेस्ट बी डेस्ट बाई टू इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि एम एम डैस्ट इक्वल टू ए बी बाई टू बिल्कुल बिकॉज ए एडेस्ट बी डेस्ट और ए बी तो बराबर है बिकॉज इसकी मैग्निफिकेशन क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है वन प्लेमर का मैग्निफिकेशन होता है वन तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए डैस्ट बिडेस्ट तो बराबर है और इस प्रकार हम कह देंगे कि इन अ प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ़ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ प्लेन मिरर ऑफ हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एक चीज़ बच्चों हमें और सोचना होगा बड़ी गंभीरता से कई बार थोड़े से इसमें थोड़ा सा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आप इसको नोट करो चलिए तो एक बार मैं फिर से एनालाइज करता हूँ इसी चीज़ को थोड़े और ध्यान से समझो कई बार हमें क्वेश्चन बड़ी अटपटा सा पूछता है हमें पूछ लेता है कि जमीन से कितने हाइट पे रखना होगा इसको मिरर को ज़मीन से कितने हाइट पे रखना होगा बच्चों तो देखिए मान लीजिए ये सेपरेशन हमें गिवन है वाई है ज़मीन से वाई डिस्टेंस पे है तब एक बार हम फिर से सोच सकते हैं इन दोनों ट्रैंगल्स को लेकर के हम क्या बोलेंगे वाई अपॉन मैं कुछ नाम दे देता हूँ एमडेस्टो y upon एमडेस्ट ओ इक्वल टू टू z upon z z से z कट जाएगा इसका मतलब dash ओ is y upon 2 इसका मतलब हमें इस सरफेस से ग्राउंड सरफेस से हमें इस हाइट के आधे हाइट पे इस मिरर को रखना होगा ताकि हमें इस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज इसमें ट्रेस हो जाए चलिए मेरी बात समझ में अच्छे से आ गया हम आगे देखते हैं चलिए एक छोटा सा पॉल हम लोग ले लेते हैं जय एडवांस से देखिए जय वालों ने क्या पूछा था जय वाले कहते हैं कि मान लीजिए एक मिरर है अच्छा मिरर का डायमेंशन क्या दे रखा है इसका हाइट दे रखा है डी और यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है। चलो यहाँ रख दिया मैंने सोर्स को इस सोर्स का नाम मैंने ओ रखा ठीक और इस सोर्स को ये ऑब्जेक्ट देखना चाहता है ये ये बॉडी इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है इस मिरर में तो इस लाइन पर वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर इज़ तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़े से ज्योमेट्री को फॉलो करना होगा ज्योमेट्री को फॉलो करना होगा मतलब देखना तो इसको है तो हमने कुछ ऐसे सोचा बच्चों कि लाइट को मैं यहाँ से निकालता हूँ देखिए लाइट ऐसे निकले और यूं चले जाए मतलब इसको दिखाई यह देगा यहाँ पर और ये ग्रेटेस्ट कहाँ तक जा सकता है जहां तक इसको दिखाई देगा लाइट लीजिए यहां तक गया ये चलिए इसको ये यह यहां तक दिखाई दिया हमें यही पता करना है कि ये कितने हाइट तक जाए ताकि इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर में देख सके वो तो चलिए तो मैंने सोचा दिस इज द नॉर्मल दिस इज द नॉर्मल और हमने यहाँ जीमेट्री लगाना स्टार्ट कर दिया वही ज्योमेट्री जो टेंथ क्लास में पढ़े थे हम लोग चलिए देखिए हमने इसका नाम रखा वाई वन ये है मेरा वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा या मैं इसका नाम वाई वन रखता हूँ ये वाई वन है मेरा मैंने इसका नाम वाई रखा बच्चों मैंने इसका नाम एक्स रखा और मैंने इसका नाम एक्स वन तो ये भी एक्स वन हो जाएगा बच्चों अब कह सकते हो ये भी एक्स वन होगा तो चलो मैं यहां से देखता हूँ इस ट्रैंगल में देखो एक बड़े से बड़े ट्रेंगल में और एक छोटे ट्रैंगल में अब आप क्या कह सकते हो कि वाई वन वाई वन सॉरी y अपॉन y1 y अपॉन वाई वन इज इक्वल टू टू एल अपॉन एल और हम कह सकते हैं कि जो वाई का वैल्यू आया वो टू वाई वन आया चलिए बहुत बढ़िया सेम सिचुएशन में हम लोग फिर से देखें इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि इस वाई का वैल्यू हो गया टू वाई वन और ये है वाई वन चलिए ऐसे यहाँ पर भी सोचते हैं इस ट्रेंगल में और एक छोटा सा ट्रैंगल में हम क्या बोलेंगे x अपॉन एक्स वन इज अगेन टू एल बा एंड द वैल्यू ऑफ x इज टू एक्स वन जरा सोचो कि ये तो टू एक्स वन आ गया और ये x1 आ गया इसका ये मतलब हो गया कि ये जो पूरी हाइट आप देख पा रहे हो ये आ गया थ्री इंटू एक्स वन प्लस वाई वन देख लो थ्री एक्स वन प्लस थ्री वाई वन और ये मिरर कितना हाइट का हो गया एक्स वन देख सकते हो एक्स वन प्लस वाई वन तो डी का वैल्यू कितना है एक्स वन प्लस वाई वन और ये कितना है थ्री इंटू एक्स वन प्लस वाई वन इसका मतलब ये कितने ग्रेटेस्ट हाइट तक जा सकता है आपका जवाब होगा थ्री डी बिकॉज डी इज़ एक्स वन प्लस वाई वन तो द करेक्ट आंसर इज थ्री डी देखो कितने ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन मैंने डील किया था ठीक है बच्चों तो हम लोगों ने प्ले मिरर के ऊपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आया अब उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बेसिक फंडामेंटल से अटैच क्वेश्चंस हैं और इसको करने के बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाओगे प्रॉब्लम्स तो कैसे किया जाएगा चलिए शुरुआत करें एक छोटा सा क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल कहता है क्या कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ सेवेंटी डिग्री दो प्लेन मिरर्स है देखिए ना अच्छे से समझना है इसको दो प्लेन मिरर्स है बच्चों इन दोनों के बीच के एंगल सेवेंटी डिग्री दे रखा है हमें बहुत बढ़िया और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है अ रे ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर एट एन एंगल ऑफ थीटा एक रे है जो पहला मिरर पे थीटा एंगल के साथ इंसिडेंट हो रहा था बच्चों ठीक आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर ये रिफ्लेक्शन होता है और इस पर गिरता है अब देखो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होने वाला था बिल्कुल उसके बाद की कहानी समझना आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पैरल एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पैरल टू द फर्स्ट मिरर रिफ्लेक्टेड पैरल रिफ्लेक्टेड पैरल टू द फर्स्ट मिरर रिफ्लेक्टेड पैरल टू द फर्स्ट मिरर मीन्स इस मिरर के पैर हो गया है बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा आपको देखिए तो ये एंगल क्या था थीटा का वैल्यू क्या हो गया हमसे पूछा गया था कि थीटा का वैल्यू कितना है तो मैंने कुछ ऐसे सोचा बच्चों कि ये सेवेंटी तो बच्चों ये भी सेवेंटी हो जाएगा ये बात तो फिक्स है बिकॉज ये दोनों पैरल हैं है ना? अब आप सोचिए ये सेवेंटी है बच्चों तो ये ट्वेंटी हो जाएगा बिकॉज नाइन्टी होना चाहिए था ये नॉर्मल लेना और ये ट्वेंटी तो ये भी ट्वेंटी बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट be इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब आप देखो कि ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा तो ये 20 है तो ये कितना हो गया 70 डिग्री और आप देखो कि ये वी नॉर्मल है ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा बिल्कुल अब हम क्या कह सकते हैं 70 प्लस 70 प्लस 90 माइनस थीटा इन तीनों का सम कितना होना चाहिए वन एटी डिग्री बिल्कुल अब आप देख सकते हो कितना आ गया बच्चों वन फोर्टी डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और हमने थीटा का वैल्यू बता दिया फिफ्टी डिग्री एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान था बेसिक फंडामेंटल के ऊपर में क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में अरे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ टेन डिग्री विद द हॉरिजेंटल एंड स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर विच इज इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द ऑरिजेंटल ओके मान लीजिए एक प्लेन मिरर है यही प्लेन मिरर था बच्चों और ये प्लेन मिरर थीटा एंगल से हॉरीज हॉरिजेंटल है इनक् दिस एंगल इज थीटा चलिए अच्छे से समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दिस एंगल इज थीटा अरे ऑफ लाइट अरे ऑफ लाइट मेक्स एंगल ऑफ टेन डिग्री चलिए मैंने ऐसे भेज दिया था एक लाइट को और ये हॉरिजेंटल के साथ टेन डिग्री बना रहा है इसका मतलब बच्चों ये टेन बच्चो डिग्री था दिस इज टेन डिग्री हॉरिजेंटल के साथ टेन डिग्री बना रहे मेक्स एन एंगल ऑफ टेन डिग्री विद द हॉरिजेंटल एंड स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर विच इज इंक्लाइंड एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजेंटल द एंगल थीटा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल होना चाहिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल होना चाहिए इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो जाएगा ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे तो हमसे पूछा गया था कि इस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए ये रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे था तो हमने कुछ ऐसे सोचा दिस इज़ द नॉर्मल ये नॉर्मल हो गया इसका आप सोचना थोड़ा सा ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चों ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चों अब आप ये देखो कि ये पूरा एंगल 90 जाएगा है ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा तो बराबर होगा बिल्कुल बराबर होगा बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये पूरा सम 90 होना चाहिए इसका मतलब टू थीटा प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों टू थीटा प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इसका मतलब टू थीटा इक्वल टू 80 डिग्री इसका मतलब थीटा इज़ 40 डिग्री The correct answer is वन A part the correct answer. Hmm. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्या कहना चाहता है क्या प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल चलिए इसका मतलब यही वो प्लेन मिरर था ये 30 डिग्री हॉरिजेंटल ले रहा है चलिए एक प्लेन मिरर बना लेते हैं हम लोग ये 30 डिग्री एंगल दे रखा बच्चों इफ अफ वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर बच्चों यही मेरा वर्टिकल रे है अब वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉट वरी आपको ऐसे सोचना होगा कि देखो कि दिस इज द नॉर्मल अब ये नॉर्मल हो गया बच्चों अब आप देखो ये थर्टी है तो ये भी थर्टी हो जाएगा और ये थर्टी है तो ये भी थर्टी हो जाएगा तो जरा सोचो कि थर्टी के साथ आया था तो थर्टी के साथ ही जाएगा ये थर्टी के साथ आया था तो थर्टी के साथ ही जाएगा तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ये रहा मिरर और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है ऑफ कोर्स यही है वो एंगल है अब आप जानते हो कि ये नॉर्मल है बेसिकली तो ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए था तो अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये एंगल कितना हो गया नाइन्टी माइनस थर्टी मीन सिक्सटी डिग्री एंड द करेक्ट आंसर इज़ बी पार्ट तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट रेस्ट। अरे ऑफ लाइट मान लो कि एक प्लेन मिरर है अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट द मिरर दिर टर्निंग एट अ यूनिफॉर्म एक्सोलेशन ऑफ टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका मतलब बच्चों मुझे अल्फा गिवेन है एंगुलर एक्सलेशन गिवन है इस मिरर का कितना गिवेन है टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो हमसे पूछा जा रहा है कि द रिफ्लेक्टेड रे एट द एंड ऑफ वन बाय फोर सेकेंड एट द एंड ऑफ वन बाय फोर सेकेंड मतलब समय दे रखा है वन बाय फोर सेकेंड वन बाय फोर सेकेंड पर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे कितना टर्न करेगा डोंट वरी हमें बच्चों अच्छे से पता है थीटा क्या होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एट रेस्ट मीन्स ओमेगा नॉट इज जीरो एंगुलर एक्सलेशन एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो तो मैं देख लेता हूँ कि भाई वन बाय फोर सेकेंड में ये कितना एंगल रोटेट करता है तो चलो थीटा इज ज़ीरो इंटू समय प्लस हाफ अल्फा अल्फ़ा इज़ टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू वन बाई फोर इंटू वन बाई फोर इस वन बाई सिक्सटीन तो बच्चों मैंने देखा कि थीटा का वैल्यू आ गया पाई ओवर सिक्सटीन मतलब पाई ओवर सिक्सटीन पाई का मतलब कितना हो गया बच्चों वन डिग्री सिक्सटीन कितना हो गया तो आप बताओ कितना हो गया ये डाटा वह फिर से चेक कर लो थीटा इज़ ओमेगा नोट टी प्लस हाफ़ अल्फ़ा टी स्क्वायर थीटा इज़ जीरो इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर इज़ वन बाई सिक्सटीन दिस इज़ पाई बाई सिक्सटीन पाई बाई सिक्सटीन कितना हो गया चार 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 पैंतालीस इसका मतलब फोर्टी फाइव बाई फोर फोटी फाइव बाई फोर तो अगर ये आप कहोगे कि ये थीटा एंगल रोटेट किया है तो इसका जो इमेज रोटेट करेगा वो इमेज रोटेट कर जाएगा टू थीटा इसका मतलब दो गुना फोर्टी फाइव बाई फोर दो दुनी चार एंड दिस इज़ ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कि अगर एक प्लेन मिरर थीटा एंगल रोटेट करेगा तो जो इसकी इमेज होगा वो तो टू रोटेट करेगा इसका मतलब तो रिफ्लेक्टेड रे टर्न बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री चलिए चलिए मैं फिर से क्वेश्चन देखू क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन एज सोन इन द फिगर टू प्ले मिरर्स एम वन एंड एम टू टू प्ले एंड एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑफ ऑफकोर्स दिस इज टेन सेंटीमीटर वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट थ्री इमेजेस फ्रॉम द मिरर एम टू इस मिरर के लिए इमेजेस बता है क्योंकि पहला तीन इमेज तो मैंने तरीका बताया था आपको पहले भी हमें लिखना है एम वन और हमें लिखना है एम टू चलिए बताइए एम वन के लिए हम लिखेंगे आठ और एम टू के लिए हम लोग लिखेंगे दो और अब आप बताओ इसमें कितना ऐड होगा दस आठ दस अठारह दो आठ दो दस बारह बारह और दस ट्वेंटी टू अट्ठारह और दस ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और दस थर्टी एट थर्टी एट, थर्टी एट ट्वेंटी टू और दस थर्टी टू हमसे तो बेसिकली पूछा जा रहा है सिर्फ तीन ही में और वही एम टू के लिए तो मैं कहूँगा दो अट्ठारह और 22, दो अठारह और बाईस द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीन इमेज बना है दो अठारह और 22. अगर हमसे ये पूछता कि फर्स्ट थ्री इमेज एम वन की वजह से बताओ तो क्या उन आंसर होता बच्चों एट ट्वेल्व और ट्वेंटी एट लेकिन हमसे तो एम टू के लिए पूछ रहे हैं तो क्या आंसर देंगे टू एटीन और ट्वेंटी टू चलिए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग और डिस्कस करते हैं मैंने कहा कि द इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड बच्चों हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि एक प्लेन मिरर हमेशा उल्टी इमेज बना रहा था हमने स्टार्टिंग में भी देखा था जैसे अब यहाँ पर देखो कि एक प्लेन मिरर के सामने में पी रखा हुआ है तो ये लेटर का इमेज कैसा दिखाई देगा बिल्कुल ये लेटरली इन्वर्टेड तो मैंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कहा आउट ऑफ ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाबेट्स एलेवन अल्फ़ाबेट्स है दे आर मिरर इमेज सेम छब्बीस में से ग्यारह अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिसके मिरर इमेज सेम होते हैं कौन कौन सा एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके सामने में कुछ ऐसे लिखता तो इसका इमेज कैसा दिखाई देगा ऐसे दिखाई देगा जैसे मान लो मिरर के सामने में मेरा ऐसा वर्ड होता तो इसका इमेज कैसा दिखाई देगा बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा चलो तो मेरे कहने का मतलब ये था कि 26 अल्फाबेट में से 11 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिसके मिरर इमेज सेम होते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चलिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि द सम ऑफ टाइम सोन बाय क्लॉक एंड बाय इट्स इमेज इज़ ट्वेल्व मतलब द सम ऑफ टाइम सोन बाय क्लॉक एक क्लॉक जो टाइम बताता है जो टाइम दे रहा है और उसकी मिरर इमेज इन दोनों का जो सम होगा वो बारह के बराबर होना चाहिए जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने कहा इफ अ क्लॉक सो सोस टाइम एट मींस मीन्स आठ बज के चालीस मिनट हो रहे हैं तो उसकी इमेज कैसा दिखेगा तो मैंने क्या बोला कि आठ बज के चालीस मिनट प्लस इसकी जो इमेज होगा वो बारह के बराबर होना चाहिए तो मैं क्यों ना बारह में से आठ बज के चालीस मिनट को घटा दूँ तो मैंने कुछ ऐसे सोचा बच्चों कि बारह बजा है और उसमें से आठ बज के चालीस मिनट को घटा देते हैं ऑफ कोर्स कितना हो गया बच्चों तीन घंटे बीस मिनट मतलब तीन बज के बीस मिनट इसका मिनट इमेज बनाएगा जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल और समझिए मैंने कहा कि इस वॉच में इस घड़ी में फ़िलहाल हो रहे हैं तीन बज के दस मिनट ये इसका रियल टाइम है तीन बज के दस मिनट तो इसका इमेज कितना होगा इमेज में ये क्या दिखाई देगा तो मैंने क्या बताया ये प्लस इसका इमेज बारह के बराबर होना चाहिए तो मैं बारह बज में से तीन बज के दस मिनट को घटा दिया तब तो आप बताओ दिस इज फिफ्टी एंड दिस इज एट आठ बज के पचास मिनट इसका इमेज का टाइम हो जाएगा बच्चों चलिए तब आप क्या करना है आपको अब आप जो बढ़िया से सारे मिनट के क्वेश्चन करो कहीं से नहीं अटकने वाले हैं बस बेसिक फंडामेंटल्स को आप अच्छे से पढ़ो और जो भी चीज़ हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से डिस्कस करो अच्छे से समझो एक एक पॉइंट्स को क्लियर करो और उसके बाद आप कहीं से भी मिरर के क्वेश्चन करो आपसे कहीं नहीं अटकेंगे चलो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्वेक मिरर के साथ